वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिलियन वाइंस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोनोसी के टॉपिक्स फाइबर्स के कुछ एमसीक्यूज पर, जैसे कॉटन, सिल्क, वूल एंड रीजनरेटेड रियॉन्स पर, जो कि आपके ऑनलाइन एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मिलियन वाइंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, आपको डिस्प्ले में शो हो रहा होगा फार्माकोनोसी एमसीक्यूज, जो कि आपका टॉपिक रहेगा फाइबर्स यूज इन स्वेचर्स एंड सर्जिकल ड्रेसिंग्स। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे फाइबर्स की। फाइबर्स कैन बी जनरली डिफाइन एज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट आर थिन, लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रैंड्स। दे टू मेन सोर्सेज ऑफ द फाइबर्स आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स फाइबर्स क्या होते हैं? जैसे हमारे जूट्स होते हैं, फ्लैक्स होते हैं, कॉटन्स होते हैं, हैंड हैम्प होते हैं, बनानास होते हैं एंड इडीज। सेकेंड हमारा एनिमल्स फाइबर्स। एनिमल्स फाइबर्स में आते हैं हमारे सिल्स आते हैं एंड वोल्स आते हैं। फिर हम बात करेंगे रीजनरेटेड एंड सिंथेटिक्स फाइबर्स की। तो सिंथेटिक्स फाइबर्स में आते हैं नाइलॉन्स आते हैं, टेरिलीन आते हैं एंड ओरोलॉन्स आते हैं। हम बात करेंगे यूजेस ऑफ द फाइबर्स की। फाइबर्स की यूज़ कहाँ पे किए जाते हैं? जैसे फर्स्ट है हमारा, दे आर यूज फॉर द मेकिंग लिगेचर, ऑयल, सिल्क, सर्जिकल ड्रेसिंग्स। सेकेंड है हमारा, दे आर यूज फॉर द मेकिंग लिंट एंड गाउज। दे आर यूज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर द वेविंग क्लॉथ, मतलब कपड़े बुनने में भी इनका यूज़ किया जाता है, जो हमारे फाइबर्स होते हैं। दे आर यूज एज ए फिल्टरिंग मीडिया एंड स्टेनिंग मीडिया, मतलब छानने को और फिल्टर करने में भी इनका यूज़ किया जाता है, जो हमारे फाइबर्स होते हैं। फिर है हमारा फिफ्थ, दे आर यूज फॉर द इंसुलेशन पर्पज। इंसुलेशन पर्पज मीन्स होता है जो हमारे फाइबर्स होते हैं अवरोधक के रूप में काम करते हैं किसी भी चीज़ को फिल्टर करने को, ठीक है, वो होते हैं हमारे इंसुलेशन पर्पज में। फर्स्ट है हमारा फाइबर्स एमसीक्यूज। तो हम बात करेंगे फाइबर्स के एमसीक्यूज की, जिसमें हम आपको 5 सेकेंड्स का टाइम देंगे आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चंस को। पहला का ऑब्जेक्टिव है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। मतलब जो हमारे फाइबर्स होते हैं आर्टिफिशियल किस में होते हैं? जैसे हमारे ए है हमारा एंजाइम्स है, प्लांट एंड एनिमल्स है, सी हमारा बोथ ए एंड बी है, डी हमारा नन ऑफ दिस है। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी, प्लांट एंड एनिमल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा फाइबर्स में भी डिफाइन इज एज, जैसे हमारा ए है एयर लाइक रॉ मटेरियल्स, बी ऑब्टेन बाय द फॉर्म एनिमल वेजिटेबल्स मिनरल सोर्सेस, सी हमारा बोथ ए एंड बी, डी हमारा नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी, बोथ ए एंड बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सर्जिकल ड्रेसिंग प्रिपेयर्ड बाय। तो सर्जिकल जो ड्रेसिंग प्रिपेयर्ड की जाती है किससे की जाती है? जैसे हमारा जूट है, बी वूल है, सी एब्जॉर्बेंट कॉटन है, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा बताइए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द वेजिटेबल एंड प्लांट वेज फाइबर्स। तो इसमें जैसे ए कॉटन है, बी जूट है, सी बोथ ए एंड बी है, डी ऑल ऑफ द अबव है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी, बोथ ए एंड बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज एनिमल और प्रोटीन बेस्ड फाइबर्स। फाइबर जैसे ए हमारा वूल है, बी रियोन है, सी सिल्क है, डी बोथ ए एंड सी है। इसका जो राइट आंसर होगा
सोचिए क्या होगा। राइट आंसर होगा हमारा डी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एग्जांपल ऑफ द मिनरल फाइबर्स आर, जैसे हमारा ए नायलॉन से, बी ग्लास, एफ टॉस है, सी टेरिलीन है, डी बोथ बी एंड सी है, बताइए क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा बी ग्लास एज स्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, व्हाट इज द यूजेस ऑफ द फाइबर्स, फाइबर्स का यूज कहाँ पे किया जाता है ये आपको पता ही है। जैसे हमारा सर्जिकल ड्रेसिंग्स में, गोज में, सी ए इंसुलेशन पर्पस एंड फिल्टरिंग मीडिया में, एंड डी ऑल ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपको बताइए क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मिलेन वाइंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो फाइबर्स का एक पार्ट है, सेकंड कॉटन्स एमसीक्यूज। जो कॉटन्स को हम हिंदी में बोलते हैं कपास। कॉटन्स फाइबर्स आर, मतलब कॉटन जो फाइबर्स आर क्या हैं, सॉफ्ट है, फुल फाई है, स्टेबल है, या ऑल ऑफ द अबव है। इसका जो राइट आंसर होगा पहले आप सोचिए क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज सिनोनियम्स ऑफ कॉटन्स। कॉटन्स का सिनोनियम्स क्या है, जैसे हमारा रो कॉटन्स है, कॉटन वोल्स है, एंड एब्जॉर्बेंट कॉटन्स है, सर्जिकल कॉटन्स है, डी ऑल ऑफ द अबव है। फ्रेंड्स अगर आपको राइट आंसर का पता हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं वीडियो में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी ऑल ऑफ दी एवब, मतलब ये सिनोनियम से हमारे कॉटन्स के, रो कॉटन, कॉटन वोल्स एंड एब्जॉर्बेंट कॉटन एंड सर्जिकल कॉटन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्जॉर्बेंट कॉटन बिलोंग टू द फैमिली, मतलब एब्जॉर्बेंट जो कॉटन की जो बिलोंग टू फैमिली होती है वो क्या है, बताइए। ए हमारा सोलानेसी है, बी हमारा मलवेसी है, सी हमारा नेप्टीजिनेसी है, और डी हमारा लिलीएसी है, सोचिए क्या है। इसका जो राइट आंसर है होगा वो होगा हमारा बी मलवेसी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा विच बिलोंग टू सोर्सेस ऑफ द एपिडर्मल ट्राइकोम ऑन हेयर्स ऑफ द सीड्स ऑफ। इसका जो राइट आंसर होगा, जैसे हमारे गोप्सिपम हेरिबिकम, बी हमारा बोरिविया हेरवेसियम, सी हमारा सिलेबिसिपस परप्योर, डी हमारा ओबिस एरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा, सोचिए क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा ए गोसिपियम हेरबिसियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एब्जॉर्बेंट कॉटन एक्सेप्ट, मतलब जो हमारा वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एब्जॉर्बेंट कॉटन है जो एक्सेप्ट नहीं करता है, जैसे हमारा सेलुलोस है, मॉइस्चर्स है, फैट्स है, वैक्स है, जाइमस है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा सोचिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी जाइमेस। चलते नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द ऑर्गेनोलेप्टिक्स एवोल्यूशन ऑफ द कॉटन्स। जैसे हमारा कलर है, जो कॉटन का कलर होता है, मॉर्फोलॉजी के बेस पर हम इनको देख रहे हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन कर रहे हैं हम कॉटन्स का,
जो उसका कलर होगा कॉटन का वो होगा हमारा वाइट्स, जो ऑर्डर होगा हमारा ऑर्डर लेस होगा, टेस्ट कैसा होगा टेस्ट लेस होगा। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉटन प्लस एडमोलिस रिजेंट विच कलर इज ऑप्टाइंस, मतलब अगर हम कॉटन में एडमोलिस रिजेंट को प्रेजेंस करेंगे तो कैसा कलर देगा, जैसे हमारा ए ब्लू, बी वायलेट, सी पिंक, डी नॉन ऑफ दिस, सोचिए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका वायलेट, राइट आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जीनिंग प्रोसेस इज डन फॉर विच ड्रग्स, मतलब जो जीनिंग प्रोसेस है वो हमारा डन करता है किस प्रोसेस पर, ड्रग्स पर। जैसे हमारा सिल्क है, प्रिपरेशन ऑफ द एब्जॉर्बेंट कॉटन्स है, एसिटेट रियॉन्स है, वोल्स है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज द यूजेस ऑफ द कॉटन्स, कॉटन्स का जो यूज़ किया जाता है आपको पता ही है, जैसे कि फिल्टरिंग मीडिया में किया जाता है, सर्जिकल ड्रेसिंग, ड्रेसिंग टू द एब्जॉर्ब ब्लड्स म्यूकस पस, प्रिवेंट द बाउंड्स फ्रॉम इन्फेक्शन, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा डी, ये तो आपको पता ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो हमारा है सिल्क एमसीक्यूज, हम बात करें किस पे, सिल्क एमसीक्यूज पर, जिसको हम इन्हें बोलते हैं रेशम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा सिल्क से, व्हाट इज द सिनोनियम्स ऑफ सिल्क, सिल्क के जो सिनोनियम्स हैं जैसे हमारा मंटुआ है, पनेगी है, इस्मेटी है, सैंडल्स है, राइट आंसर इसका डी होगा, ऑल ऑफ दी एवब, मतलब ये सभी सिनोनियम किसके हैं, सिल्क के हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द सिल्क, सिल्क का जो बायोलॉजिकल सोर्स होगा जैसे कि हमारा ए बी सी डी ए, सोचिए कौन सा होगा, सिल्स का जो बायोलॉजिकल सोर्स होगा वो होगा हमारा सी, राइट आंसर। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लेसी और द एयर्स ऑफ द सी पोविस एराइज। ठीक है चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सिल्क, क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सिल्क के देखते हैं, फिब्रोइन है, केराटीन है, सेलुलोज है, केमिकल साल्ट एंड एल्जेनिक एसिड्स है, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सोचिए क्या होगा, फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा फिब्रोइन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, DRX Aman Bharati 333। ठीक है हम बात करेंगे व्हाट इज द फैमिली ऑफ द सिल्क, मतलब सिल्क की फैमिली क्या, लिलिएसी है, बॉम्बिसाइडी है, मल्टेसी है, बोबिडी है, सोचिए क्या होगी सिल्क की फैमिली, सिल्क की जो फैमिली होगी होगी हमारी बॉम्बिसाइडी, क्या होगी बॉम्बिसाइडी, इसका राइट आंसर क्या है बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा वेयर इज द सिल्क फाउंड्स, मतलब सिल्क कहाँ पर पाई जाती है, जैसे राइट आंसर इसके कुछ ऑप्शंस है जापान, इटली, इंडिया, चाइना, फ्रांस एंड डी एस का ऑल ऑफ द एवस का जो राइट आंसर होगा ये आपको बताइए क्या होगा, वो होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द एवब। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन ऑफ द सिल्क, सिल्क के जो ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन है जैसे फॉर्म कैसी होगी इसकी, वेरी फाइन होगी, सॉलिड एंड स्मूथ होगी, कलर कैसा होगा येलो होगा, लेंथ इसकी क्या होगी अबाउट 200 mm लॉन्ग्स होगी, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द यूजेस ऑफ द सिल्क, सिल्क का जो यूजेस किए जाते हैं आपको पता ही है, स्यूचर्स में किया जाते हैं, सीप्स में किया जाता है, लिगेचर्स में किए जाते हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी, ऑल ऑफ दी है, ये तो आपको पता ही होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिल्क विद द रिएक्ट 60% H2SO4 व्हाट्स गिव्स, मतलब अगर हम सिल्क को 60% रिएक्ट करेंगे H2SO4 के साथ तो क्या रिएक्ट आएगा। जैसे हमारे इनसोल्युबल सिल्क फाइबर्स है, बी सोल्युबल सिल्क फाइबर्स है, बोथ ए एंड बी है, डी ऑल ऑफ द अबव, इसके जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका सोल्युबल सिल्क फाइबर बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वूल्स एमसीक्यूज, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में ऊन। ये आपको बताइए ऊन आप कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स करना कि ऊन को हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन से हमारा व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द वूल्स। सिनोनिम्स बोल रहे हैं जैसे इसका ऑप्शन चार हैं ए बी सी डी करके, सैंडल वूल से, बी हमारा सीप वूल से, सी हमारा वियर वूल से, डी हमारा ऑल ऑफ द अबव है, इसका जो राइट आंसर होगा बताइए, सोचिए क्या हो, कमेंट्स करिए। जो वूल्स का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा हमारा बी सीप वूल्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द बिलोंग टू द व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द वूल्स, मतलब बायोलॉजिकल सोर्स क्या होगा वूल्स का। तो इसमें हमारे चार ऑप्शन है, आप बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसका। वोल्स का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी, इट इज ऑब्टेंड फ्रॉम द फ्लेसी और हेयर्स ऑफ सीप ऑल्स एराइज, इसका राइट आंसर होगा हमारा डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज फैमिली ऑफ द वोल्स, इसकी जो फैमिली होगी वोल्स की वो होगी हमारी जैसे रूटिएसी है, बी हमारा बोविडी है, सी हमारा लिलिएसी है, डी हमारा मेलवेसी है, तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा बी, क्या होगा बोविडी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केमिकल कॉन्स्टेंट ऑफ द प्रेजेंट इन वूल, तो हमारा इसके जो राइट आंसर होगा जैसे हमारा ए हमारा पेंटाइन है, केरेटीन है, साइस्टीनिन है, मायरिसिन से, डी हमारा एल्जिनिक है, इसको इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स होगा हमारा बी केरेटीन एंड साइस्टीन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द वूल फाउंड्स, मतलब जो हमारी वूल्स हैं वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे हमारा ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, अर्जेंटीना है, रूसिया है, इंडिया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा डी ऑल ऑफ दी एव, अभी हमारे मतलब जो वूल्स हैं वो कहाँ पर पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, अर्जेंटीना, रूसिया, इंडिया है, उन पर सभी जगह प्रेजेंट मतलब पाई जाती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वूल को अगर हम 1.25 मोलर NaOH टुगेदर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कैसा रिएक्ट करेगा वो हमारा करेगा, सोचिए क्या करेगा, इनसोल्युबल करेगा, सोल्युबल करेगा या नॉन ऑफ दिस करेगा, वो करेगा हमारा सोलोवेल, इसका राइट आंसर क्या होगा बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा व्हाट इज द ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन ऑफ द वूल्स, इसका जो ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन है जैसे हमारा एवरियंस है, इसको हम एवरियंस का कैसा होगा, वोल्स एयर सेंगे, स्मूथ होगा, इलास्टिक्स होगा, ल्यूट्रेसस होगा, क्रोली होगा, हाइस्ट्रोइस होगा, स्लेपी होगा, जो सोल्युबिलिटी होगा हमारा इनसोल्युबल इन 60% सल्फ्यूरिक एसिड्स में होगा, जो साइज होगा हमारा वोल्स एयर्स होगा, 2 से 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, 5 to 100 माइक्रोमीटर वेट होगा एंड 3.40 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होगा, इसलिए इसका राइट आंसर जो फ्रेंड्स होगा वो हमारा डी ऑल ऑफ दी एबव। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द यूजेस ऑफ द वोल्स, मतलब उनका कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है ये आपको पता ही होगा, इन्हें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सर्जिकल ड्रेसिंग्स ऑफ द क्रैप्ट वेंडेज में किया जाता है, एज ए फिल्टरिंग मीडियम किया जाता है, बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ द अबव, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स होगा हमारा, जैसे मैंने ए और बी बताया ये सेम है, इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, बोथ ए एंड बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा फाइबर्स का, नेक्स्ट टॉपिक से हमारा
रीजनरेटेड फाइबर्स जिसको हम बोलते हैं रियन एमसीक्यू, रियोन के एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। रियोन्स के एमसीक्यू जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पुनर्निर्मित रेशम, रेसे रेयान मतलब पुनर्निर्मित रेसे के हथियार किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं रीजनरेटिव फाइबर्स। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द रियोन? तो जो रियोन का जो सिनोनिम्स है वो आपको पता ही होगा, जैसे हमारा ए रीजनरेटेड सेलुलोस है, बी हमारा विस्कस रियोन है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा, सोचिए क्या होगा, वो होगा हमारा सी, बोथ ए एंड बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ द एसीटेट रियोन? इसके जो एसीटेट जो बायोलॉजिकल सोर्स होगा एसीटेट रियोन का वो होगा हमारा, इसमें हमारे चार ऑप्शन है, सिलेक्ट करिए कौन सा राइट आंसर होगा फ्रेंड। इसके जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी, रीजनरेटेड फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड सेलुलोज, राइट आंसर होगा इसका हमारा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंपल ऑफ द एसीटेट रियोन इज सोलुबल इन, मतलब जो हमारे एसीटेट्स होते हैं तो किसमें सोलुबल्स होते हैं एसीटेट रियोन्स? हमारा ए है जैसे हमारा 50% फिनोल्स है एसीटोन्स है एंड हमारा 90% फिनोल है एसीटोन्स है, सी हमारा 79% सोडियम एंड फिनोल्स है, डी हमारा 30% फिनोल है सिट्रिक एसिड है। तो फ्रेंड्स सोचिए किसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, के जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी, 90% फिनोलिक है एसीटोन में क्या होते हैं सोलुबल होते हैं किसका एसिड रियोन के साथ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एसीटेट रियोन? तो इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एसीटेट रियोन का होगा, सोचिए क्या होगा हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स, वो होगा हमारा राइट आंसर जो होगा हमारा ए होगा, सेलुलोज, क्या होगा सेलुलोज। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रिपरेशन ऑफ द वुड सेलुलोज प्लस एसीटेट एसिड एंड एसिडिक अनहाइड्राइड टुगेदर आर ट्रीट विद, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स हमारा, जैसे KMnO4 है, H2SO4 है, QOH है, FCl3 है, इसको जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा H2SO4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये आपके ऑनलाइन एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs रहेंगे, ये कहीं से भी आपसे पूछ सकता है ऑनलाइन एग्जाम में। और साथ ही आपके जो भी फार्मेसी फील्ड को लेकर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आप फार्मासिस्ट के लिए, उसमें भी ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एल्जिनेट फाइबर्स, वो हमारे क्या क्या होते हैं, सॉरी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एल्जिनेट फाइबर जो होते हैं, एल्जिनिक एसिड्स होते हैं, कैल्शियम साल्ट्स के होते हैं एंड एल्कलॉइड्स के होते हैं, डी बोथ एंड वी एंड बी होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ये आपको पता ही होगा, ये होते हैं हमारे एल्जेनिक एसिड्स के होते हैं एंड कैल्शियम साल्ट्स के होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है हमारा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन से हमारा, व्हाट इज द यूजेस ऑफ द एसीटेट रेयोन? रेयोन का जो यूज किया जाता है ये आपको पता ही होगा डेफिनेटली, जैसे हमारा फॉर मेकिंग गोज में है, बी हमारा मेकिंग सेलुलोज एसीटेट फिल्स में है, सी हमारा फॉर मेकिंग लिंट्स में है एंड डी हमारा सर्जिकल ड्रेसिंग में है। तो फ्रेंड्स में जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी, फॉर मेकिंग सेलुलोज, क्या होगा बी, बी होगा फॉर मेकिंग सेलुलोज एसीटेट फिल्म फिल्म्स में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही काफ़ी, फ्रेंड आज के लिए इतने ही काफ़ी, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मिलियन माइंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग्स।